बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी जी, NA-48 इस्लामाबाद से PTI का कैंडिडेट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन 8 फरवरी को जो कल हुआ, इसके अंदर हमने ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। मेरे पास ये फॉर्म 45 पड़े हैं सारे, 261 पोलिंग स्टेशन थे टोटल NA-48 के, जिनमें से 250 से ज्यादा मैंने जीते। ये मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं सारे, और हमारी कोई 45 से 50 हजार वोटों की लीड थी। दोबारा रिपीट करूं, 45 से 50 हजार वोटों की लीड थी। और अभी मुझे नोटिफिकेशन पता चला है कि जनाब मेरे इसका हारने का नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि मैं सुबह 6 बजे तक आरओ ऑफिस खड़ा रहा, जहां पर रेंजर्स भी मौजूद थी, और आरओ साहब ने हमें मिलना गुवारा नहीं किया। शाम 5 बजे से मेरे वकला वहां खड़े थे, जो मेरे अपने लॉ फर्म के थे, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के थे, पिंडी बार एसोसिएशन के थे, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद मैं जब खुद गया और मैंने जाके वहां पर 6 बजे गया, फिर 9 बजे गया, कहा जी 11 बजे देंगे, फिर 11 बजे गया, फिर 2 बजे गया, और फिर सुबह 6 बजे तक हम खड़े रहे, हमें रिजल्ट नहीं दिया। और अभी पता चला कि जनाब हम इलेक्शन हार गए, हमारी पता नहीं 57 हजार वोट है, मेरी 90 हजार वोट है, 88,000 प्लस वोट बन रही है, 80,000 प्लस वोट बन रही है, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं ये अपील करता हूं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से भी कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए मुनसिफाना, और इसके अंदर सारा मैार पूरा करना चाहिए। ये आरओ से तो पूछने, आपने आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपॉइंट किए थे, जो हमारे डीसी एसी और ये लोग थे सर, ADCR साहब, मिलना गुवारा नहीं किया जनाब कैंडिडेट्स को, उन्होंने अंदर जाना गुवारा नहीं किया। और ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बुला लें, इसकी फ्रेंजिक करा लें, जाके अंगूठे थंब लगे हुए हैं उसके ऊपर, साइन हुए हुए हैं, और तसली कर लें, पूरे बाहर भेज दें किसी और मुल्क में भी, वहां भी जाकर तसली करा के आ जाए, और ये देखें ये हमारे साथ हुआ है जनाब। थैंक यू वेरी मच।